निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होने जा रही है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव यानी कि ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 10 मई को आदेश दे चुका है। इस आदेश में मॉडिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट को यह बताया गया कि यह रिपोर्ट स्थानीय निकायवार आरक्षण प्रतिशत के संबंध में है और अनुरोध किया गया कि कोर्ट इस रिपोर्ट पर भरोसा करे और इसके आधार पर ओबीसी आरक्षण अधिसूचित करने की अनुमति दे। इसके लिए 4 सप्ताह का समय भी मांगा गया। साथ ही ये कहा गया कि समानता पूर्वक इतना समय SC ST आरक्षण के लिए भी लगेगा। ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना को मंजूरी देने वाले आदेश से किसी पार्टी को पूर्वाग्रह नहीं होगा। सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए 2011 जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए और इसके अनुसार ओबीसी की कुल संख्या 51% आबादी इसमें बताई गई है। अब सरकार का ये कहना है कि इस आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय होगा। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से ये कहा गया कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। अब इस मामले में आज दोबारा सुनवाई होना है। तो मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 10 मई को आदेश पहले दे चुका है और इस आदेश में हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने मॉडिफिकेशन याचिका लगाई है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई, जिस पर सुनवाई मंगलवार को हुई और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें कहा गया, अनुरोध किया गया कि इस रिपोर्ट पर भरोसा करें और इसके आधार पर ही ओबीसी आरक्षण अधिसूचित करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए 4 सप्ताह का समय मांगा गया है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, जिस तरह से बात करें, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होना है, क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि संशोधित याचिका एक तरफ लगाई गई है, दूसरी तरफ अधिसूचना भी जारी हुई कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो करवाए जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर इस पूरे मसले को देखें, जिस तरह का पूरा घटनाक्रम है उसके बाद में, तो ये बहुत साफ ये बहुत स्पष्ट नजर आता है कि मध्य प्रदेश सरकार को अब राहत मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मसले को लेके अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तंज टिप्पणी की थी, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल एक बार फिर थोड़ा सा लिबरल हुई है सुप्रीम कोर्ट। कंसिडरेशन की कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है, कुछ और आंकड़ों की मांग की है TTT के लिहाज से, ट्रिपल टेस्ट के लिहाज से जो बातें कही गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमी देखी है और थोड़ी सी जानकारी मांगी है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है ओबीसी आरक्षण देने के मामले को लेकर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए राहत की बात है। आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी, देखना ये होगा कि आज अंतिम फैसला दिया जाता है या कल। पर निश्चित रूप से मांगी गई जानकारी पर ये निर्भर करेगा कि राज्य सरकार ने जो बची हुई जानकारी है वो किस तरह से पेश की और सुप्रीम कोर्ट उससे कितना संतुष्ट होता है। श्वेता, अनुराग, 2011 में ओबीसी आरक्षण के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें कहा गया कि 51% तो ओबीसी जो है वर्ग है उनकी संख्या बताई गई, तो क्या इस आधार पर वो सफिशिएंट नहीं था? और दूसरी तरफ अगर बात करें तो लापरवाही अगर होती है, दूसरा पक्ष जो है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर लापरवाही होती है सरकार की तरफ से तो दोबारा पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। तो अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज होना है और देखना होगा क्या कुछ सुनवाई इसमें होती है। और चलिए आगे बात